जब कश्मीर हमारा है तो फिर उसको अपना बताने पर तुले पाकिस्तान को आखिर कब समझ आएगा कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है, और किसी भी कीमत पर कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो सकता। बस इसी से बौखलाया पाक अपने कृत्यों से हिंदुस्तान को कभी न भरने वाले गम दे रहा है। शोपियां जिले से 4 पुलिसकर्मियों को अगवा कर लिया, जिसके कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी को तो छोड़ दिया गया लेकिन 3 की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से पुलिसकर्मियों को नौकरी छोड़ देने की धमकी दी गई थी और नौकरी नहीं छोड़ने पर अंजाम भुगत लेने की चेतावनी दी गई थी। इतना ही नहीं, ये भीड़, ये शोर, ये गमगीन लोग जिन्हें आप देख रहे हैं दुखी हैं, इंसाफ चाहते हैं, बदला चाहते हैं जवान नरेंद्र कुमार सिंह की शहादत का। अंतिम यात्रा में शहीद लोग इंसाफ चाहते हैं, पापी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन चाहते हैं जिसने जवान के साथ बर्बरता की हदों को पार कर दिया। पहले गोलियों से उनके शरीर को छलनी किया गया, फिर खुफिया राज उगलवाने के लिए उन्हें अगवा किया गया, और फिर जो बर्बरता की गई उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। जवान नरेंद्र कुमार सिंह का गला रेता गया, उनकी आंखें फोड़ दी गईं, उनकी एक टांग काट दी गई, उनके शरीर पर करंट देने के जख्म मिले। दरिंदे पाक की इस नापाक हरकत की कोई माफी नहीं है। नरेंद्र सिंह का परिवार इंसाफ चाहता है, देश न्याय चाहता है, नरेंद्र सिंह की शहादत का बदला चाहता है। अगर अभी पाकिस्तान के मंसूबों को नहीं रोका गया तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो इस तरह के कृत्य करने से पीछे नहीं हटेगा। अब हाथ पर हाथ धरे बैठने का समय चला गया, अब टाइम है एक्शन का, जो कि सरकार को लेना ही होगा, तभी नरेंद्र कुमार की आत्मा को शांति मिलेगी। शहीद की अंतिम यात्रा में दुखी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बीएसएफ जवान की शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान, जुबान पर अमन और दिल में आतंक का ढोंग अब नहीं होगा बर्दाश्त, जैसे नारे लगाए गए। पाकिस्तान के ऐसे कृत्यों का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार जवानों के घर में घुसकर नापाक आतंकी उनको निशाना बना चुके हैं। साल 2015 में जवान हेमराज के शरीर के साथ बर्बरता कर उसका सिर अपने साथ ले गए थे। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो कि बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तरफ तो पाक प्रधानमंत्री इमरान खान पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर शांति वार्ता की अपील करते हैं और दूसरी तरफ जवान के शरीर के साथ बर्बरता की जाती है। आखिर हिंदुस्तान कब तक अपने जवानों की शहादत को यूं ही सहता रहेगा? पाकिस्तान के मुंह से शांति वार्ता जैसा शब्द ढोंग से भरा लगता है। पाकिस्तान का शांति से तो कोई वास्ता ही नहीं है, फिर पीएम को चिट्ठी लिखकर दोनों देशों के बीच संबंध मधुर बनाने की कोशिश का ये नाटक क्यों?